आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शरीर को ठंडक पहुँचाने वाली एक बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट वाटरमेलन का जूस। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं बनाना। नमस्कार, रानी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ तरबूज का जूस। जब छिपछिपाती गर्मी होती है, उमस वाली, उसमें अगर तरबूज का एक गिलास जूस मिल जाए तो शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही ठंडक मिलती है शरीर को और मन को तृप्ति मिलती है। तो आज मैं इसी का जूस बनाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखिए लाल लाल तरबूज लिया हुआ है, इसका जो बीज है उसे निकाल देंगे, ये निकल जाता है आसानी से। तो हम इसे निकाल लेते हैं फ्रेंड। बहुत ही बढ़िया लगता है इसका जूस, बना करके ज़रूर पीजिएगा गर्मी में और बच्चों को भी पिलाइएगा। ये कभी भी पी सकते हैं, नुकसान नहीं करता है ये, क्योंकि ये घर का ताज़ा जो है जूस है, मार्केट के जूस से ये बहुत ही अच्छा है और हेल्दी भी है। तो देखिए इस तरह से हम निकाल लेंगे इसका बीज। तरबूज खाने से फ्रेंड दिमाग जो है शांत रहता है। जो लोग हृदय से संबंधित अगर जिसको कोई भी बीमारी हो उसमें ये बहुत ही फ़ायदेमंद है तरबूज का जूस। तो इसे ज़रूर बना करके आप एक बार घर पर पिएं, बहुत ही अच्छा लगता है। जितना आप मौसमी फल खाएंगे फ्रेंड उतनी ही आपकी इम्यूनिटी जो है बढ़ेगी। तो घर की चीज़ें खाएं और स्वस्थ रहें, ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो देखिए मैंने इसको बीज को निकाल लिया है और घर पर रहें फ्रेंड, सुरक्षित रहें, बाहर ज़्यादा ना निकलें। अगर निकलें तो सैनिटाइज़र लगाकर और मुंह पर मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें, और एकदम ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा ना निकलें। तो देखिए मैंने इस सारे जो वाटरमेलन है इसके मैंने बीज निकाल लिए हैं। अब बस करना ये है फ्रेंड कि हमने यहाँ पे लिया है एक मिक्सी का जार। अब इसमें हम छोटे छोटे टुकड़ों में इसे डाल करके ग्राइंड कर लेंगे, छोटा काटेंगे ताकि ये अच्छे से पीस जाए इसमें। देखिए इस तरह से मैं काट ले रही हूँ इसको, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में। देखिए मैं इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में काट ले रही हूँ। दोस्तों, अगर एक आध बीज इसमें चला भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, बीज भी इसके बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। देखिए इस तरह से मैं काट ले रही हूँ और जो बीज हाथ में आ रहे हैं मैं इसको निकाल दे रही हूँ जो अंदर रह गए हैं। तो ये देखिए मैंने काट लिया है इसको। तो देखिए मैंने सारे वाटरमेलन को काट लिया है। अब मैं डाल लूँ इसमें आधा नींबू का रस, इससे इसका स्वाद जो है खट्टा मीठा बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप डालकर बनाएं घर पर, बच्चों को खासतौर पर इसे पिलाएं, बहुत ही फ़ायदेमंद है बच्चों के लिए भी। तो देखिए मैंने आधा नींबू इसमें निचोड़ दिया है। आप चाहें तो इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, पर ये इसमें तो मीठा होता ही है वाटरमेलन, इसमें चीनी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि चीनी इसमें कम लग रहा है मीठा तो आप इसमें चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम पीस लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड हमारा जूस जो है नेचुरल एकदम कलर आया है इसमें। तो ये हमारा जूस जो है तैयार हो गया है वाटरमेलन का। तो मैं इसे एक ग्लास में निकाल ले रही हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया बना हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड मैंने जूस को निकाल दिया है। मैंने लिया है यहाँ पे बर्फ का टुकड़ा, आइस क्यूब इसमें डाल देंगे, इसे थोड़ा ठंडा रहेगा। अगर नहीं है तो आप इस तरह भी पी सकते हैं इसको, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए हमारा वाटरमेलन का जो जूस है बिल्कुल बनकर के रेडी है। तो आप इस तरह से घर पर जूस बनाकर ताज़ा ज़रूर पिए घर पर, बाज़ार की चीज़ें ना पिए आप। तो आज की हमारी जूस की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।